हेलो एवरीवन। तो आज हम साबुत मूंग दाल का तड़का बनाएंगे। तो पहले ना हम क्या करेंगे, जो मूंग दाल है ना, साबुत जो होता है, तो उसे हम पहले ओवरनाइट सोक करके रख देंगे। जब बनाएंगे तब हम उसे बॉईल कर लेंगे। फिर हम एक पेस्ट बनाएंगे जिसमें जिंजर, गार्लिक, अनियन और ग्रीन चिली होगा। अब हम एक कढ़ाई पे तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें बेंगलीज जो 5 फोरन यूज़ करते हैं ना, वो यूज़ करेंगे। इफ़ यू गाइस डोंट हैव देन काला जीरा एंड क्यूमिन वुड बी गुड ऑप्शन। फिर मैं ब्लैक पेपर होता है जो, वो ब्लैक पेपर्स डाल दूँगी और उसके साथ हम थोड़ा सा कार्डमम भी यूज़ करेंगे। अब हम इसमें जो पेस्ट बनाया ना उसे डाल देंगे और अच्छे से इसमें भून लेंगे। अभी मैं मसाला सारे डालने लगी हूँ। तो पहले हमने ग्रीन चिली पेस्ट में डाला था ना तिल, तो अगर आपको रेड चिली पाउडर ज़्यादा नहीं खाना है तो ग्रीन चिली का क्वान्टिटी भरा देना। तो यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर यूज़ किया। आई लव स्पाइसी सो आई एम यूजिंग अ लॉट। फिर मैंने टर्मरिक पाउडर लिया, क्यूमिन पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर। आई स्वेयर टू गॉड आई लव कोरिएंडर पाउडर सो मच, लाइक इट्स द बेस्ट थिंग एवर इन्वेंटेड। फिर ना हम क्या करेंगे, इससे अच्छे से भून लेंगे जिससे पेस्ट का भी कच्चापन चला जाएगा और हमारा मसाला भी अच्छे से कुक हो जाएगा। अब मैं ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। एज आई सेड आई लव 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 स्पाइसी फूड्स। एंड अब मैं घर का गरम मसाला डाल रही हूँ। मैंने घर पे बनाया था ये, और मैं थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा कसूरी मेथी डाल रही हूँ। इस पेस्ट को जो मसाला बनाया है ना, इसे अच्छे से भूनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा सोया सॉस और बहुत ही कम ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ। सोया सॉस डाल रही हूँ, उससे ना फ्लेवर अच्छा हो जाता है। ये पैन पे स्टिक हो रहा है तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। कैन यू गाइस सी द रोगन कमिंग आउट, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मैंने ना और भी ज़्यादा कसूरी मेथी डाल दिया। आई लव कसूरी मेथी एज आई सेड। और सॉल्ट डालना तो भूल गई, तो अभी डाल रही हूँ। और सॉल्ट डालने पर मैंने थोड़ा सा कम डाला, जस्ट जितना मैं नॉर्मली डालती हूँ उससे कम, क्योंकि उसमें भी सॉल्ट होता है तो बी अवेयर। और मैंने जिस ब्लेंडर में पेस्ट बनाया उसमें पानी डाल के उसी को डाल रही थी इंडियन स्टाइल में, मतलब इंडियन मम्मी लोग जैसे करते हैं, मैंने भी ऐसे करना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं थी। आई हैव कवर्ड इट एंड लेट इट कुक फॉर 5 मिनट्स। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। इट्स ऑल ऑयल फ्री फ्रॉम द टॉप। आई डिड नॉट यूज दैट मच ऑयल दो ना, इतना ज़्यादा भी तेल नहीं यूज़ किया, तो इट्स ओके। फिर मैंने जो मूंग दाल सोख करके रखा ना उसको बॉयल कर दिया। एंड नाउ मैं एडिंग पीस। बॉयल करने से ये अच्छा से मतलब इजी हो जाता है। अगर इसमें डाल के बॉयल करने लग जाए तो हमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो कुकर में बॉयल करना आई प्रिफर। तो मैं ना अभी इसमें थोड़ा सा शुगर भी ऐड करूँगी, क्योंकि ये आई हैव यूज टू मच पेपर्स एंड रेड चिली पाउडर एंड ऑल। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्पाइस लेवल बैलेंस हो जाएगा और फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा, तो मैंने डाल दिया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू कवर इट एंड लेट इट कुक फॉर अनदर 5 मिनट्स। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक ऑफ द लिड एंड आई एम गोइंग टू ऐड टन्स ऑफ गरम मसाला। जो पैकेट में आता है ना, वो गरम मसाला मैंने यूज़ किया है, क्योंकि घर का बना हुआ मैंने ऑलरेडी यूज़ कर दिया। आई प्रेफर पैकेट वाला, बट घर में मैं जो बनाती हूँ इज़ नॉट दैट गुड। मेरी मम्मी जो बनाती है वो अच्छा है, पर क्या करें, अभी मम्मी का वाला नहीं था तो मैंने ऐसे कर दिया। एंड दैट्स इट, इट्स डन। तो ग्रेवी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना चाहिए कितना नहीं। आई प्रिफर दिस मच, इट्स नॉट टू मच नॉट लेस, सो इट्स परफेक्ट। एंड इतना ही था ये रेसिपी। एंड आई ऑल्सो हैव लाइक हेल्दियर वर्जन ऑफ इट, सो इफ़ यू वॉन्ट इट लेट मी नो, आई विल शो इट टू यू गाइस। टिल देन बाय, टेक केयर।